सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। आज मैं जा रहा हूँ हमारे तवी पुल के नीचे भगवती नगर वाली साइड से। एक आर्टिफिशियल लेक बन रहा है जो कि काफ़ी साल पहले का प्रोजेक्ट है, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे। और काफ़ी टाइम के बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ और मज़ा भी बहुत आएगा, तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली इस टाइम पे हम हैं भगवती नगर वाले ब्रिज पे। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे, देखिए, और ये काम चल रहा है आर्टिफिशियल लेक का। यहाँ से शुरू है वो तवी वाले ब्रिज तक आगे तक है। तो अभी हम जाएंगे उस साइड आगे, देखते हैं क्या कैसा काम चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट है। तो फिर चलते हैं और फिर देखते हैं। एक्चुअली मेरे गियर सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए। बट वी आर अबाउट टू रीच अवर डेस्टिनेशन वेरी सून, सो लेट्स गो। सो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ऐसे अलाउड तो नहीं है यहाँ आना, बट मेरे भैया है वो एज एन इंजीनियर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये जगह देखिए, ये देखिए, अभी हम आगे जाएंगे। आगे मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में भैया से ही पूछ के बताऊँगा। और काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है ये, यहाँ पर तो वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे, बट अब बड़ी मुश्किल से मैं नीचे रहूँ, सेट बना रहा हूँ। अलाउड ही नहीं यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह। सो देखो अभी आगे चलते हैं, आगे बुला रहे हैं भैया, उस साइड चलते हैं। क्या हाल है? और किधर? साइडवे। मैं आज बड़े दिनों के बाद व्लॉगिंग करने लगा। तभी है हमारा विक्रम चौक ब्रिज से भगवती नगर ब्रिज तक की। यहाँ पे फर्स्ट फेज का काम चल रहा है बालाजी कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे हमारा लेफ्ट बैंक है। हाँ, लेफ्ट बैंक है, बीच में हमारा आइलैंड बनना है। बीच में आइलैंड बनना है और उसके आगे राइट बैंक। अच्छा, ऊपर है बेड। हाँ, यहाँ पे एक फाइव स्टार होटल। अच्छा, बनेगा और पार्क बनेंगे। टूरिज्म का जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है। आइलैंड पे भी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की अच्छा प्रॉपर्टी साइडों को दी गई है। और ऐसे ही जैसे ये बना यहाँ पे, वैसे ही राइट बैंक पे प्रॉपर्टी साइड भी है, उसके बीच में वो है। तो आइलैंड यहाँ बीच में बनेगा, आइलैंड बीच में बनेगा। तो ये कितने साल का टोटल प्रोजेक्ट है जो कम्प्लीट हो जाएगा जब पूरा? ये विदिन, अभी फर्स्ट, ये फर्स्ट फेज का मतलब भगवती नगर ब्रिज से लेके विक्रम चौक ब्रिज तक। हाँ जी, ये एक साल का प्रोजेक्ट है, अभी एक साल और चलेगा। एक साल फेज टू का स्टार्ट होगा विक्रम चौक ब्रिज से लेके गुजनगर ब्रिज तक का। अच्छा, वहाँ तक भी है? हाँ, जो तभी में बाढ़ वगैरह आई है पिछले 10 सालों में एक दो बार, उसको देख के प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो अगर बाई चांस देखो जैसे बाहर बारिश होती है एक हफ्ता वगैरह, तो क्या होता है कि ये पूरी ये चीज पानी के हाई लेवल हो जाता है और ये चीज रुक जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है? अब आगे आइए, आपको दिखाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, मैन होल्स की पाइपलाइंस चल रही है, एक एक मीटर डाया की पाइपलाइंस चल रही है, उसके साथ मैन होल्स है। पूरा एक सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जो जितना भी बारिश का पानी है वो एक जगह से तभी के अंदर ही इनलेट होगा। आर्टिफिशियल लेक बनेगी यहाँ। हाँ,
भगवती नगर पुल के पास वहाँ पे डैम जैसा बनाया जा रहा है। अच्छा, मिनी डैम। वहाँ पे हम वाटर स्टोरेज करेंगे और आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे। जितना भी पानी जो आता है जैसे बता रहे ओवरफ्लो, वहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल लेक स्टोर हो जाएगा। अच्छा, डैम खोलेंगे और उनको पानी यहाँ से खंडवाल, चट्ठा, बेली, चुराना, जितना भी यहाँ से आगे तभी का एरिया, उनको वहाँ से पानी प्रोवाइड कर देंगे। सही है, मतलब टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी हमारे जम्मू में। जो ऐसे बोलते थे कि जम्मू में कुछ नहीं है, सारा श्रीनगर कश्मीर वाली साइड ही है, बट अब ये सब चेंज हो रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट वगैरह दिखेगी हमें अपने जम्मू में भी, और टूरिज़्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है J&K के लिए। स्मार्ट सिटी बन रहा है जम्मू, जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर का प्रोजेक्ट है। आज आप देखते हैं यहाँ पे शाम को यहाँ पे ब्रिज के नीचे लाइट सिग्नल शुरू हो जाती है, स्पेशल एक बीजी दिए हुए हैं, जनरेटर सेट दिए हुए हैं उस लाइट्स के लिए। वैसे ही आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जम्मू एक स्मार्ट सिटी हमको दिखेगा सामने। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो चलिए देखते हैं आगे कुछ सालों में क्या होगा, कैसा हमारा जम्मू बनेगा स्मार्ट सिटी के अंडर। और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार प्रमोट करने के लिए टूरिज्म वगैरह, और ऐसा करना भी चाहिए। तो फाइनली अब हम सभी पुल पे हैं और इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉगिंग की, पता नहीं कैसी वीडियो बनी, बोला गया या नहीं बोला गया मुझसे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।